हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे पेंडिंग होमवर्क क्वेश्चंस आपके लेक्चर 2 डिविजिबिलिटी पार्ट 1 के। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या गिवन है। इफ द 11 डिजिट नंबर, और ये नंबर ये रहा, इसमें m और n मिसिंग डिजिट्स है। बोला जा रहा है ये पूरा नंबर 72 से डिविजिबल है, कॉम्पोजिट नंबर का रूल लगेगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या था, आप देखो कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 72 है। इस 72 को आपको ब्रेक करना है इनटू इट्स को प्राइम फैक्टर्स, जिनका प्रोडक्ट 72 के बराबर हो जाए। तो मैं देखता हूँ ये 9 × 8 है 72, इसका मतलब ये बन रहा है ये 11 डिजिट का नंबर टोटली डिवाइड होना चाहिए 9 से एंड टोटली डिवाइड होना चाहिए 8 से भी, तब जाके ये 72 से डिविजिबल होगा। ऑलराइट, अब 9 और 8 में 8 का रूल सिंपल है। क्या है 8 का रूल? द रूल ऑफ 8 सेज लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो इस पूरे बड़े वैल्यू को अभी मैं छोटा कर रहा हूँ एज 6, 7, n। क्या आप यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हो? सिर्फ यही चेक कर रहा है ना। बोला जा रहा है 72 से डिविजिबल है, मतलब 8 से डिविजिबल है ये। तो n के वैल्यू क्या बन सकती है इस केस में? आप देखो 6 से स्टार्ट होने वाला 8 का मल्टीपल क्या है, 64, तो मैं ऊपर में 4 लिख रहा हूँ। कितने बच गए? 3 बच गए आपके पास, तो मैं 3 नीचे लिख रहा हूँ। अब 3 के साथ क्या लगेगा कि ये दो वैल्यूज़ एक ऐसा मल्टीपल बन जाए 8 का जो डिविजिबल हो। तो आपको पता है 32 इज़ अ वैल्यू जो कि मल्टीपल है 8 का। इस पूरे पार्ट से मुझे ये समझ में आ रहा है दैट डेफिनेटली n की वैल्यू 2 है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है इफ़ दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब n की वैल्यू 2 आ चुकी है, इस पूरे नंबर को मैं रीराइट कर लेता हूँ एज 5, 6, 7, m की वैल्यू नहीं पता है, 4, 3, 2, 6, 7, n के जगह पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 2। ऑलराइट, अब 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल हमारा चेक हो गया है। अब मैं 9 से स्टार्ट करूँगा। तो 9 से स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, इफ़ यू रिमेंबर, रूल ऑफ 9 सिंपल है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 और सम ऑफ डिजिट इज बेसिकली इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ 9। तो 9n के फॉर्म में है, तो जितने भी 9 या 18 या 27 आप देख पा रहे हो सबको हटा दो। तो सिंपल है, 9 7 और 2 के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, इसे एलिमिनेट कर दो। देन 6 एंड 3 के कॉम्बिनेशन से भी 9 बनेगा, तो इन दो डिजिट्स को भी एलिमिनेट कर दो। फिर से यू हैव 7 एंड 2 हियर, सो 7 एंड 2 विल गिव यू 9, इसे भी एलिमिनेट कर दो। 5 + 4 भी आपको 9 देगा, इन दोनों को भी एलिमिनेट कर दो। देखो आपके पास बच क्या रहा है, क्या रिमेनिंग रह जाता है, इट इज़ 6 एंड वी हैव m। 6 + m ये 9n के फॉर्म में होना चाहिए, 9n का फॉर्म मतलब मल्टीपल ऑफ 9। तो 6 में आप क्या ऐड करोगे कि ये 9n के फॉर्म में बन जाए, और m एक सिंगल डिजिट है तो मैक्सिमम यू कैन ऐड इज 3। सो 6 + 3 इज 9, मैं यहाँ पे m की वैल्यू 3 ले सकता हूँ। अब कहीं ना कहीं मेरे पास डेफिनेट वैल्यूज आ गए हैं n के और m के, m की वैल्यू है 3। इस इक्वेशन को अब मैं सॉल्व करता हूँ, 4 × 3 विच इज 12 प्लस 2 × 2 4 रूट अंडर, ये बन गया 16 रूट अंडर, जिसकी वैल्यू वन ऑफ द वैल्यूज इज 4। 4 हमारे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन ए, तो मैं इसे मार्क करूँगा और आगे बढ़ूंगा। एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दिस। आई होप ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे प्रैक्टिस भी करे थे लेक्चर 2 पार्ट 1 में। आई होप आप वो सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या गिवन है देखते हैं। इफ़ द नंबर 9, 5, m, 4, 4, n इज डिविजिबल बाई 36,
एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसके को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो पहले इसे। क्या मैं इसे 9 × 4 बोल सकता हूँ? 9 × 4 = 36, 9 और 4 आपस में को प्राइम भी है, मतलब इनका एच सी एफ 1 है, या इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है बस। ओके, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। रूल ऑफ 4 तो और भी आसान है। रूल ऑफ 4 बोलता है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करो, अगर वो 4n के फॉर्म में है या 4 से डिविजिबल है तो आपके लिए वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। पूरा नंबर यहाँ के लास्ट के 2 डिजिट्स है 4n। ऑलराइट, 4n का मतलब क्या है? n के जगह पे एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इस जगह पे। और यहाँ पे जब मैं 4n लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मैं मल्टीपल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे 4, 8, 12, 36 या 40, ऐसे कुछ। यहाँ पे जब मैं n की बात कर रहा हूँ तो ये एक डिजिट की तरह आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ तो ये 40 बन जाएगा, अगर 1 लिखूँ तो ये 41 बनेगा। आई होप ये बेसिक चीज़ों में आप कन्फ्यूज़ ना कर रहे हो। हाँ, बहुत ही बेसिक बात है, बट हाँ आपको कन्फ्यूजन ना लगे, क्योंकि n यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और एग्जैक्टली 4n दिख रहा है, तो कन्फ्यूज़ मत करना। यहाँ पे मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर 1 है इसका मतलब है मैं 4 × 1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर 1 है तो इट इज़ 41। ओके, आप मुझे बताओ वॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n? तो n की जगह पे आप क्या रखोगे कि 4n डिवाइड हो जाए? तो आप यहाँ पे n की जगह पे आप रख सकते हो, तो मेक इट डिविजिबल बाय 4, n की जगह पे अगर आप 0 रखते हो तो ये बनेगा 40, 40 डिविजिबल है। n की जगह पे अगर 4 रखते हो तो ये बनेगा 44, ये भी डिविजिबल है। n की जगह पे अगर आप 8 रखते हो तो ये बनेगा 48, और ये भी डिविजिबल है। अब क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात हो रही है तो मैं इस वैल्यू को कंसिडर करते हुए चलूँगा, दैट इज़ लेट्स पुट n एज 8, n की वैल्यू मैं 8 रख रहा हूँ। ऑल राइट, मेरे लिए नंबर क्या बन जाएगा अगर मैं n की वैल्यू 8 रखूँ? देखो, 9 5m 4 4 8। आई होप आप लोग फॉलो कर पा रहे हो। अब दूसरा रूल है 9 का रूल क्या है आपको पता है? मल्टीपल्स ऑफ 9 जितने उन्हें एलिमिनेट कर दो। तो 9 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, 5 और 4 के कॉम्बिनेशन से ये एलिमिनेट हो गया, क्या बचा? 8 + 4 + m, 8 + 4 = 12 + m, और m की जगह पे आप क्या रखोगे कि ये 9n के फॉर्म में बन जाए या 9 से डिविजिबल हो जाए? तो m के प्लेसेस पे आप रख सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप 6 रखोगे तो ये बन जाएगा 12 + 6 = 18, और 18 डिविजिबल है 9 से। अब देखो m और n की वैल्यू आ गई है, दोनों को ऐड कर दो, सो m प्लस n इज़ बेसिकली 6 + 8 विच इज़ 14। 14 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट। ये 2 क्वेश्चन आई होप आप आराम से फॉलो कर पा रहे हो। ये part 1 के होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, ध्यान दो। एक नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 88। 88 से आप क्या समझते हो? इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 11 × 8 या 11n8, दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। ए और बी यहाँ पे सिंगल डिजिट्स हैं, ये रहा ए, ये रहा बी, एंड फाइंड ए एंड बी। ओके, 8 का रूल आपको पता है, रूल लास्ट 3 डिजिट्स। तो इस नंबर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, लास्ट 3 डिजिट्स वाला रूल लगाऊँ, तो ये 6, 7 और b बन रहे हैं। 6 के टर्म में क्या मल्टीपल है? 64, तो मैं 4 लिख रहा हूँ, बचा मेरे पास 3, और अल्टीमेटली यहाँ पे 2 आएगा, तभी तो ये बनेगा मल्टीपल। तो b के जगह पे मुझे 2 रखना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है b के लिए, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2। ऑप्शन चेक करो, ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ एक जगह पे b इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन c इज में करेक्ट फिट। आंसर आ चुका है, लेकिन आप पूरे रूल से चलो। मान लो 2 जगह पे b होता, b की वैल्यू 2 होती, तब आप क्या करते हो? तो आपको चेक करना पड़ता, राइट? तो इसलिए आप पूरे तरीके से इसे सॉल्व कर लो। अब b की वैल्यू 2 आ चुकी है, पूरा नंबर क्या बन गया? सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 4
A37094672। 11 के लिए रूल बोलता है सम ऑफ ऑल्टरनेट टर्म्स, तो मैं जानबूझ के सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑल्टरनेट टर्म्स और इनके बीच में डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो और मल्टीपल ऑफ 11। सम ऑफ ऑल्टरनेट टर्म्स का मतलब आप इवन टर्म्स को कंसिडर करो, फिर ऑड टर्म्स के सम को कंसिडर करो, दो सेट्स के बीच में इवन और ऑड के बीच में आप डिफरेंस लो, ये अगर जीरो के बराबर आ रहा है या 11n के फॉर्म में, मतलब 11 का कोई मल्टीपल बन रहा है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब क्योंकि ये 11 से डिविजिबल तो हो गई, तो मैं इसको इक्वेट करने की कोशिश करूँगा। चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है यहाँ पे। 4n3 7 7n0 7 प्लस 4 11 प्लस 6 17 प्लस 2 19। नेक्स्ट a प्लस 7 प्लस 9 16 16 और 2 18 18 और 7 25, तो ये बन रहा है 25 प्लस a। अब आप देखो इनकी वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर तो नहीं आएगी, ये जो दो सेट्स हैं मेरे पास, क्या इनका डिफरेंस कभी भी जीरो के बराबर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ए की जो भी वैल्यू है अभी ये 25-19 से ग्रेटर है। तो मुझे देखना होगा क्या मैं इसे 11n के फॉर्म में ला सकता हूँ, और 11n में भी अगर बेसिक डिफरेंस मैं देखूँ तो ए की मैक्सिमम वैल्यू मैं 9 रख सकता हूँ। 25 प्लस 9 इज 34, 34 और 19 के बीच में कभी भी गैप 22 का तो नहीं आ सकता है, तो मुझे इनके बीच का गैप 11 करना होगा, 11n और 11 विच इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो 19 है, 11 19 में ऐड कर दो 30 बनेगा, तो a पे क्या ऐड करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 30 बन जाए, 5। सोच के देखो, 11 का गैप चाहिए, 19 है यहाँ पे, 25 प्लस 5 करोगे ये 30 बनेगा, 19 माइनस 30 करोगे ये 11 बनेगा, क्लियर? तो a की वैल्यू भी 5 आ गई है, चेक कर लो, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, एंड दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में ये तो पूरा तरीका बन गया, बट बहुत बारी ऑप्शन के थ्रू भी आप इन्हें मार्क कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72, रूल ऑफ 9 and 8 के लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट के 3 डिजिट्स को बाहर रख रहा हूँ, 4b4। अब ज़रा केयरफुल रहना, 4b4 4 के साथ कौन सा मल्टीपल है या कौन सा वैल्यू बनता है जो 8 का मल्टीपल है? तो पहला आपके दिमाग में जाएगा 40, राइट? दूसरा क्या बनेगा, 48। तो अगर मैं 40 लेके चलूँ कि ये 40 बन रहा होगा, तो नेक्स्ट 4 से एंड होता हुआ कौन सा मल्टीपल है? तो इट्स ईदर 24 और इट्स ईदर 64। 24 के लिए मुझे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा 2, और 64 के लिए मुझे 6 प्लेस करना पड़ेगा, तो B के लिए दो पॉसिबिलिटीज आ गई। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ A प्लस B, तो लीस्ट के लिए मैं पिक करूँगा B को 2। अब ये लास्ट वाला पार्ट क्या बन गया, 4 2 4। अब आप चेक करो क्या ये 8 से डिविजिबल हो पा रहा है, तो अगर आप ऐसे फर्स्ट पे डिवाइड करोगे तो 40 24 बचेगा, डिवाइड हो रहा है, पूरे नंबर को लिख लिया जाए, 5 6 a 3 4 and b 4 का मतलब 2 4। ये 9 से भी डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल होने के लिए इनके 9 वाले मल्टीपल्स हटा दो, 6 plus 3 9, 5 plus 4 9, 4 plus 2 6 प्लस ए, इसकी वैल्यू 9n के फॉर्म में होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप 3 रख सकते हो, तो ए की वैल्यू मुझे दिख रही है एज 3, बी की वैल्यू मुझे दिख चुकी है एज 2, सो ए प्लस बी वुड बी सिंपली 3 plus 2 विच इज 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फिट। आप समझ पा रहे क्यों
अगर लीस्ट वैल्यू बोला जा रहा है तो मैं डायरेक्टली बी को 2 से इक्वेट कर रहा हूँ एंड नॉट 6. 6 भी पॉसिबिलिटी बनता, बट क्योंकि लीस्ट वैल्यूज पे काम करना है तो मैं दूसरे वाले के साथ आगे बढ़ सकता हूँ. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड. 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 24. 24 का को प्राइम फैक्टर्स इज 8 एंड 3. 8 का रूल सिंपल है, तो इस पूरे नंबर को लिख डालो 2a6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर b, उसके बाद 8. लास्ट के 3 डिजिट्स 8 के मल्टीपल होने चाहिए. ये तभी पॉसिबल है अगर आप यहाँ पे या तो b के जगह पे आप 48 रख दो, 4 रख दो, या b के जगह पे आप 8 रख दो. इन दोनों केसेस में ये जो नंबर्स बनेंगे वो बनेंगे 048 एंड 088. दोनों के दोनों 8 से डिविजिबल है, लेकिन आप देखो फिर से आपसे पूछा जा रहा है लीस्ट वैल्यू, तो आप इसे कंसिडर करो और इसे कट कर दो, मतलब b के जगह पे आप 4 पुट कर दो ना. ये नंबर बन जाएगा 2a6, 1 2 3 4 5, 4 8. बोला जा रहा है ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. 3 के लिए जितने 3 के मल्टीपल हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए. 6 4 एंड 2 6, 8 बच गया. मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखो तो 8 प्लस a बचा है, ये 3n के फॉर्म में होना चाहिए. 3n का मतलब है मल्टीपल ऑफ 3. तो मल्टीपल ऑफ 3 में नियरेस्ट मल्टीपल होगा 9, तो मैं इसे प्लस 1 अगर कर दूं, 8 प्लस 1, दिस इज 9, विच इज़ बेसिकली 3 इंटू 3. लीस्ट वैल्यूज है तो सबसे छोटा वैल्यू रहने दो. तो a के लिए सबसे छोटा वैल्यू जो इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट वुड बी 1. b के लिए क्या है, दैट इज 4. इन दोनों का सम इज वॉट वी आर लुकिंग आउट फॉर. सो 1 प्लस 4, विच इज 5. ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट. तो देखो 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 5 के 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए क्या रूल होता है, आपको ऐसे नंबर्स को इनके 2 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है जिनका प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर होता है. चलो मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन. 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 88. 88 का क्या मतलब है, 11 इंटू 8, और 8 वाले पार्ट को आप सबसे पहले सॉल्व करते हो. तो आप इसे लिखोगे 3y2. 3 के केस में आप जो नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है ऐसा कौन सा मल्टीपल है 8 का, 32, तो यहाँ पे 2 लिखो. y की वैल्यू 2 नहीं है, 32. अब नेक्स्ट देखो कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो 2 से एंड होता है 8 के केस में. यार 16 नहीं है, 32 है और 72 है. लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बोला जा रहा है. या तो आप यहाँ पे अगर 32 देखना चाहते हो तो आपको y रखना पड़ेगा. इस केस में y होगा 5. अगर आप इसे 3y2 देख रहे हो, ये तो 32 और ये मान लो आप देख रहे हो है 72, तो इसे आपको 9 रखना होगा. सॉरी, ये 7 72, तो इस केस में y की वैल्यू होनी चाहिए 9. समझ पा रहे हो, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 7 9. मतलब नंबर्स ऐसे बनेंगे ना, 3 9 2, तभी तो जाके ये 8 से डिवाइड होगा. 3 5 2, तभी तो जाके ये 8 से डिवाइड होगा. लार्जेस्ट वैल्यू पे बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे y को 9 पिक करना चाहिए. बट चलो देखते हैं क्या बन रहा है, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, y नहीं. तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को फिलहाल के लिए ओपन रख रहा हूँ. आप समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x नहीं बोला गया, x बोला गया, y नहीं बोला गया. 11 के लिए रूल क्या है, चलो देखते हैं. 2 0 9 4 x 8 4 3 5 2, और दूसरा केस में क्या बनेगा, 2 0 9 4 x 8 4 3
9 2। ऑलराइट, अब इनको ज़रा ऐड करो यार, जल्दी करना ये चीज़। 2 और 9 11, 11 प्लस एक्स प्लस 4 15, 15 प्लस 5 इज 20, तो ये बन रहा है 20 प्लस एक्स। दूसरा क्या बन के आ रहा है, 4 8 12 15 2 17। देखो 20 और 17 है, तो 0 तो नहीं हो रहा है, तो मुझे इसे 11 एन फॉर्म में रखना होगा, तो 11 लिख रहा हूँ। अब इनके बीच में क्या आप x की वैल्यू रखोगे कि ये 11 बन जाए, तो 17 प्लस 11 कर दो। सिंपल, 17 प्लस 11 करते हो 28 बनता है। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है एज 8। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बन रहा है। इनका अगर मैं सम करूं, ऑलरेडी हमने कर लिया है, बट 9 है ये, इस बार 4 के साथ 9 ऐड हो रहा है, तो 4 के साथ 9 ऐड हो रहा है, कितने बन जाएंगे ये, 4 एक्स्ट्रा, तो दिस इज 24 प्लस एक्स, इसे ऐड करो ज़रा, 4 12 3 और 2 17। इस केस में भी 11 एन के फॉर्म में, तो इस केस में मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। इन दोनों में दो पॉसिबिलिटीज बने डिपेंडिंग ऑन वाई की वैल्यू बीइंग 5 एंड वाई की वैल्यू बीइंग 9। ये दो केसेस आप समझ पा रहे हो? देखो वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एज 5 और यहाँ पे 9। दोनों केसेस में एक्स की वैल्यू लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो मुझे इसे पिक करना होगा, इसे इग्नोर करना होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। क्या था इक्वेशन, 5x-7y, 5 × 8 = 40 माइनस 7 × 5 = 35। ये बन गया 5 एंड वी हैव 5 एज ऑप्शन ए। पर अभी तक जितने आंसर्स बन रहे हैं मोस्टली सब में 5 कहीं ना कहीं है, राइट? चलो 3 क्वेश्चन में यार 5 है। नेक्स्ट, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। आई होप यहाँ तक आपको कहीं पे भी दिक्कत तो नहीं आ रही है, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। 7 उसके बाद 8 और 9, ये बिल्कुल सेम टाइप पे बेस्ड है। उसके बाद 10th देखना पड़ेगा क्या करना है, बट 7, 8 और 9 बिल्कुल सेम टाइप पे बेस्ड है, तो इनको ज़रा अच्छे से समझना। ये शायद मैंने क्लास में नहीं करवाया था, तो यहाँ पे रख दिया है कि आप अगर इनको कवर करते हो तो जितने भी पेंडिंग टाइप्स हैं वो सारे कवर हो जा रहे हैं। डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या, 6 7 6 xy इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11। 3 7 एंड 11 का मतलब है आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो भी एलिमेंट्स गिवन है उनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज इज सिंपली 3 × 7 × 11। ये कितने के बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू 7 3s are 21, 21 × 11, 21 × 11 is 21 × 1, 21 × 1 231। ये इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। इसका मतलब ये है कि 231 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी और 11 से भी है। और ये जो नंबर है 6 7 6 xy, और x और y के जगह पे रिस्पेक्टिव सिंगल डिजिट्स आएंगी, तो 6 7 6 xy ये हमेशा 231 का मल्टीपल है, तो मैं इसे 231n लिखूंगा। मतलब दिस इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर वैल्यू, ठीक है? वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इस पूरे नंबर को 231 से डिवाइड करो और x और y के जगह पे हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ डिजिट्स रख दो। जैसे यहाँ पे मैं x और y के जगह पे 9 और 9 रख रहा हूँ, तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, 6 7 6 xy, तो ये बन गया 6 7 6 9 9।
अब मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूँ, ध्यान देना। 6, 7, 6, 9, 9 और मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ विथ 231, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। 462 सब्ट्रैक्ट करो तो ये 4 बना, ये 1 बना और ये 2 बना। 214 डिविजिबल नहीं है तो 9 ऊपर से लेके आ जाओ, ये 9 टाइम्स जाएगा। तो 2310 माइनस 231 ये बन गया 7, 1 इधर आ गया 0, 2079 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो क्या बना 0, फिर 7, 1 यहाँ पे आ गया तो ये 00 है। ऑल राइट, ऊपर से 9 नीचे आ गया तो ये 709 बने। 231 कितनी बार ही जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। सो 3, 3, 3 is 9, 3, 2 is 6 सब्ट्रैक्ट करो क्या बचा 6, 10 से 9 गया बचा 1, 16 इज आर रिमाइंडर। अब मतलब क्या इसका, ये जो नंबर था ना 6, 7, 6, 9, 9 ये 231 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर मैं 6, 7, 6, 9, 9 से 16 हटा दूं विच इज़ द रिमाइंडर, अब जो मेरे पास नंबर बच रहा है दिस इज 6, 7, 6 और लास्ट के दो डिजिट्स क्या बन रहे हैं, सो वी हैव 6 ईयर और ये 8 बना। सब्ट्रैक्शन सही से करो, 83। चलो 6, 7, 6, 8, 3 ये नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 231n और यही मुझे फाइंड आउट करना था। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ये 816 हटा दिया ये बन गया, क्या कोई और ऐसा वैल्यू नहीं बनेगा जो 231 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, आप इसे भी चेक कर सकते हो। इनमें से अगर आप 231 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाले दो डिजिट्स में जो भी सब्ट्रैक्शन होगा इसमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन देखो ये 6 भी चेंज हो जाएगा 231 की वजह से, जो कि चेंज नहीं कर सकता है, 676 तो इंटैक्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैं आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के साथ बन रहा है, जहाँ पे मुझे x के लिए डेडिकेटेड वैल्यू दिख रही है एज 8, y के लिए डेडिकेटेड वैल्यू इज 3। नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन विच इज 3x-5y, 8 3s are 24, 5 3s are 15, दोनों के बीच का डिफरेंस है 9 और ये है मेरा ऑप्शन नंबर डी। एंड आई होप आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से अब बना लोगे, इनमें दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो ये सिमिलर टाइप पे जो और भी क्वेश्चन बेस्ड है उन्हें बनाते हैं जल्दी। 3711 से डिविजिबल होना चाहिए, 3711 का मतलब LCM इनका लो, LCM अभी हमने फाइंड करा था विच इज 231। अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर को A और B के जगह पे मैं रिस्पेक्टिवली 9 और 9 पुट कर दूंगा, तो नंबर बन जाएगा 48999, तो 48999। नेक्स्ट स्टेप 48999 को मैं 231 से डिवाइड करूंगा, 2 times 462 कितने का गैप 7 और 2, फिर एक बारी 231 कितने का गैप 8 और 4, फिर से कितने टाइम्स में जाएगा 2 times it is 462 डिफरेंस लो 7 and 2, 27 हमारे लिए रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पे क्या होगा आपके लिए एग्जैक्ट नंबर जो 230n के फॉर्म में है, मतलब मुझे देखना था 489 ए और बी कोई ऐसा वैल्यू जो 231n के फॉर्म में हो, मतलब 231 का मल्टीपल हो। इसके लिए मुझे क्या करना है, 48999 तो नहीं है मल्टीपल क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो होता तो यही मल्टीपल हो जाता, इनमें से जो रिमाइंडर बच रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास वैल्यूज बन रही है 2, 7, 4, 8, 9, 7, 2 एंड दी 7 एंड 2 रिप्रेजेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, फाइंड ए एंड बी
7, 2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट वैल्यू. बहुत बारी मान लो वी हैव एन ऑप्शन ई एज 2, 7. क्वेश्चन में बोल रहा है ए एंड बी, तो 2, 7 वुड बी रॉन्ग हियर. ये समझना, ऐसा नहीं है कि 7, 2 मार्क करो या 2, 7 मार्क करो, वो सेम चीज़ है, गलत हो जाएगा. 7, 2 इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. द नंबर 5, 2, 3 ए बी सी इज डिविजिबल बाई 7, 8 and 9. सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन इस बार पहले इनका एलसीएम निकाल लो. एलसीएम ऑफ, तो ये बनेगा 7 × 8, मैं लिख सकता हूँ एस 2³ या 8 ही रहने दो फिलहाल. 9 को लिख सकता हूँ मैं 9. ये क्या बन गया, 9 × 8 = 72 × 7, 72 × 7 = 504. LCM is 504. ओके, नंबर क्या रख सकता हूँ, सिंपल है ना, आप हाईएस्ट वैल्यूज रख लो ए बी सी के लिए. ए बोलो, बी बोलो या सी बोलो, तीनों को मैं 9 रख रहा हूँ. तो क्या बनेगा नंबर 5, 2, 3, 9, 9, 9. इनको मुझे किससे डिवाइड करना है, 504 से. फंडामेंटल क्या है यहाँ पे कि 5, 2, 3 ए बी सी मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 504. चलो 504 से ये एक बार जाएगा, तो ये 504, 23 से 4 गया 19 बचे, एक 9 ऊपर से आ गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक और 9 लाना पड़ेगा इसलिए 0. अब 504 कितनी बारी जाएगा, क्लियरली दिख रहा है 3 बारी जाएगा. 1500 × 4 = 12, तो 1512 7, 8, 4, 4, 8, 7, 9. ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45. सब्ट्रैक्ट करने पे वी हैव 343. ये मेरे लिए रिमाइंडर बच रहा है इस केस में. तो मेरे लिए नंबर क्या आना चाहिए, 5, 2, 3 और ए बी सी की जगह पे क्या है, फिलहाल मैंने रखा इसे 999. ये क्योंकि रिमाइंडर दे रहा है, तो 504n के फॉर्म में ये नहीं है, तो जो भी रिमाइंडर था उसे आप एलिमिनेट कर दो. सो 343 सब्ट्रैक्ट करो, क्या बन रही है, 656 और ये बन रहे हैं 523. तो मेरे लिए जो नंबर बन रहा है विच इज इन द फॉर्म ऑफ 504n वो है 523656. तो ए बी सी की वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे पास आ चुकी है 656. चलो इसे सॉल्व करते हैं. व्हाट डू वी हैव, 6 × 5 × 6 इट इज़ 180 मेरे ऑप्शन में है, तो ये मेरे लिए आंसर बन गया. लेकिन ये भी 504n के फॉर्म में है, और मुझे दिख रहा है ये तीन एलिमेंट जो लास्ट के चेंज हो सकते हैं, इनमें मैं 504 और एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. क्या नंबर बना, 523 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि 523 चेंज नहीं कर सकते हैं. ए बी सी की जगह पे देखो क्या बन रहा है, 251. तो ये नंबर भी 504n के फॉर्म में है, तो इससे जो रिस्पेक्टिव ए बी सी की वैल्यू आ रही है दैट इज 1, 5 and 2. प्रोडक्ट ले लो ए इंटू बी इंटू सी, ये बनेगा 1 × 5 × 2 विच इज 10, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैं इस वाले पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि 1523 152 गलत है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो गिवन ऑप्शन है उनमें से अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरे लिए 656 वाला नंबर करेक्ट है, ये वाला नंबर फिलहाल के लिए फॉलो नहीं कर रहा है. लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों नंबर्स 504n के फॉर्म में है. आई होप ये क्लियर है, इससे पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, ये एक ज़रा सा डिफिकल्ट टाइप पे है, तो ध्यान देना. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपने पहली वाली सॉल्व करा, जो वैल्यूज़ आया उसको सॉल्व करने पे आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको दूसरी बार सॉल्व करना पड़ सकता है, अगर वो पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहा है तो.
तो अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप देख पा रहे हो कितने इंटरेस्टिंग है ये। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसे खत्म करते हैं जल्दी से। इफ एन इज अ होल नंबर ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन मीन्स इट मस्ट बी 2, 3 और 4 ऐसे, ठीक है। क्या फंडामेंटली गिवन है, एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, और एन के जगह पे मुझे पता है एन इज ग्रेटर देन वन, देयर फोर एन कुड बी इधर 2 और एन कुड बी इधर 3 और एन कुड बी इधर 4। चलो अगर एन 2 है तो इस केस में एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या बनेगी, जल्दी से बताओ। एन स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3। आप एक बात बताओ, 4 इंटू 3 12 बन रहे हैं, क्या 12 16 से डिविजिबल है, नहीं है। 12 12 से डिविजिबल है, हाँ है। 12 10 से डिविजिबल है, नहीं है। 12 8 से डिविजिबल है, नहीं है। तो आपके लिए आंसर बन चुका है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट। फिर भी चेक करना है, चेक कर लो। 3 3 स्क्वायर 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 इज़ 72। 12 से डिविजिबल ज़रूर है, 16 से नहीं है, 10 से नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए। 8 से है लेकिन 8 से पहला वाला नहीं था, इसलिए 8 यहाँ पे भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपको आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फिट। मतलब आप किसी भी पार्ट पे चल जाओ, एन की वैल्यू कुछ भी रख दो और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली जो भी आएगी, वो पूरा इक्वेशन या एक्सप्रेशन 12 से हमेशा डिविजिबल होगा। दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन सेज। आई होप आपको क्लियर है सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो प्रिटी सून। हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन।